सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तथा मिनी बहनों का आज के आंगनबाड़ी वीडियो में स्वागत है। बहनों, हम आपको बता दें कि कार्यालय कलेक्टर की तरफ से समस्त मध्य प्रदेश जिले के लिए आदेश घोषित किया गया है। जैसा कि आपका हर बार चुनाव में ड्यूटी लगती है, बिल्कुल उसी तरीके से इस बार भी चुनाव में आप लोगों की ड्यूटी लगने के आदेश थे। हम आपको बता दें कि चुनाव का जो समय है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक का है। आगे हम बात करेंगे पार्टिकुलर रीवा ज़िले का जो आदेश आया है। यहाँ पे हम बता दें कि मतदान दल जो है कि यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज से रवाना हो गया है और यह लोग जब मतदान केंद्र पहुँचने की जो ओके रिपोर्ट है वह भी कार्यकर्ताओं को देनी है। तो कार्यकर्ताओं का मेन कौन कौन से काम है यह हम आपको बहनों बता देते हैं। जैसे कि तीसरा पॉइंट आप देखिए, मतदान प्रारंभ होने की सूचना। जी हाँ, मतदान प्रारंभ होने की सूचना आपको देनी है। मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा निर्वाचन आयोग का, जहाँ पर आपको मतदान देना है, मतदान की सूचना देनी है। फिर देखिए, प्रातः 9 बजे से पुरुष महिला एवं अन्य मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान की जानकारी आपको देनी है। फिर 9 बजे के बाद प्रातः 11 बजे सुबह पुरुष एवं महिला एवं अन्य मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान की जानकारी देनी है। फिर उसके 2 घंटे बाद 1 बजे भी आपको मतदाताओं की जानकारी, 3 बजे और 5 बजे तक जो है कि पुरुष एवं महिला एवं अन्य मतदाताओं की जो है कि जानकारी आपको मोबाइल नंबर पर बतानी है निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को। फिर है शाम 6 बजे तक पुरुष महिला एवं अन्य मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान एवं कतार में लगे मतदाताओं की जानकारी बतानी पड़ेगी। फिर मतदान समाप्त होने पर कुल महिला पुलिस एवं अन्य मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान की जानकारी एवं क्लोज बटन दबाई गई है या नहीं, यह सब चीज़ों की भी जानकारी आपको ही देनी है, मतलब कि कार्यकर्ता बहनों को ही देनी है। किसी अन्य कारण से मतदान में हुए व्यवधान की समय समय पर जानकारी देनी है। किसी भी प्रकार का प्रतिबंध हो, बाधा हो, कोई दिक्कतें हो मतदान में, तो उस चीज़ की भी जानकारी आपको निर्वाचन आयोग के नंबर पे ही मिलेगी, जो निर्वाचन आयोग का नंबर आपको उपलब्ध कराया जाता है। समस्या के समाधान होने पर भी उस चीज़ की जानकारी आपको देनी है। मतदान दल के मतदान केंद्र से रवाना होने तथा मतदान केंद्र के वापस वह जहां से आए हैं वहां तक जब पहुंच जाएं, तो उस चीज़ की भी जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देनी है। मतलब 1 से लेकर बहनों 12-13 पॉइंट की ऐसे आदेश हैं जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूरा करना है, सिर्फ एक मोबाइल नंबर पर जानकारी दे देकर। तो बहनों, आपके क्षेत्र में कितना मतदान आज होगा और मतदान सफलतापूर्वक हुआ है कि नहीं, तो इस चीज़ को बहनों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर लिख के वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को बहनों सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, आंगनबाड़ी ग्रुप तथा व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दीजिए। इसी के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहनों नमस्कार।